जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जो एंगल्स और साइड्स के रिलेशन को बताती है. जब मैं लिख रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच विच डील्स विद द रेशियो ऑफ द एंगल एंड साइड्स, वो जब मैं लिख रहा हूँ तो लिखने आती हूँ. फर्स्ट थिंग देखने की मैथ्स और साइंस में अधिकतर वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रीक वर्ड. कौन से होते हैं? क्योंकि जो इन सब की डिस्कवरी हुई थी वो अलग अलग देशों में हुई. जैसे कि अपन साइंस पढ़ते हैं साइंस, ये साइंस भी क्या है? ग्रीक वर्ड. अब इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? नॉलेज. इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना. तो किसी भी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है? साइंस. फिर जब इसकी स्टडी बढ़ते गई तो हमने फिर इसके पार्ट बना दिए. एक बना दिया फिजिक्स का, एक बना दिया केमिस्ट्री का, एक बायो का, एक एनवायरमेंट का, चार हो गए. फिर जब इसकी स्टडी और बढ़ते गई तो फिजिक्स के भी पार्ट बन गए. काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब ब्रांच. किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की. फिर जब केमिस्ट्री की स्टडी बढ़ते गई तो उसके अंदर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. फिर जब बायो की स्टडी बढ़ते गई तो बायो की दो मेन ब्रांचेस होती. कौन कौन सी होती? एक जूलॉजी, एक क्या होती है? बॉटनी. पता है इसमें क्या होता है? जूलॉजी बॉटनी वगैरह नहीं पता. ये सब टेस्ट में जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में और बॉटनी में प्लांट्स के बारे में. तो ये सब मैंने तुमको क्यों बताया? क्योंकि इसी से अपने वो काम है कि जो ट्रिग्नोमेट्री, क्या जो ट्रिग्नोमेट्री वो एक ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड है? ग्रीक. अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो पहला वर्ड क्या आता है? ट्राई. क्या आता है? इस ट्राई का मतलब होता है थ्री. क्या होता है? फिर इस दोनों का मतलब क्या होता है? साइड्स. क्या होता है? साइड्स. और इस मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजर करना. क्या होता है? मेजर. तो द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है ना? अगर कोई भी चैप्टर होता है तो पहले उसका मतलब पता चाहिए, एक्चुअल में होता क्या है, इससे सीखना क्या है. अब बात यह सर हम इसको पढ़ तो सकते हैं लेकिन अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो इसका यूज करते हैं बिल्डिंग्स की हाइट को नापने में. अब अगर किसी बिल्डिंग की हाइट नापते हैं तो क्या अपन इंची टिप लेके जाएंगे? वहां से पकड़ यहाँ से पकड़ता हूँ, ऐसा कुछ करेंगे क्या? उस चीज के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपनी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज आता है. और इसीलिए जो चैप्टर नंबर 8 है वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री. और जो चैप्टर नंबर 9 है वो एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब पहले सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब उसका यूज अपन कहाँ पे करते हैं. तो दोनों चैप्टर एक साथ ही होंगे. पहले करेंगे 8 चैप्टर पे 9 चैप्टर पे. पहले तुमको सिर्फ इसका बेसिक सीखना है एक्चुअली होता क्या है. तो फर्स्ट देखा है कि सर अगर हमने इसको ब्रेक किया तो एक वर्ड क्या था? ट्राई. ट्राई का मतलब थ्री. दोनों मतलब साइड्स. मेट्रो मतलब मेजर करना. थ्री साइड्स को मेजर करना क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री. और कई बार ऐसा होता है कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि ट्राई का मतलब थ्री, गोलों का मतलब एंगल. भाई होता है तीन एंगल्स किसमें होते हैं? ट्रायंगल में. तीन साइड्स किसमें होती है? ट्रायंगल में. मतलब कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल. अब कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल. तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना तो सिर्फ उसमें एक ही ट्रायंगल का यूज है. किस ट्रायंगल का यूज है? राइट एंगल ट्रायंगल. आज बात सुन. अब देखो सुनो, जैसे जो ट्रायंगल होते हैं एक ट्रायंगल ये रहा, ये लिखा मैंने 3, 4, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 4. अब देखो सुनो, ये ट्रायंगल क्या है? फर्स्ट वाला ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का नाम क्या है? फर्स्ट वाला ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का नाम क्या है? मैंने इसीलिए साइड्स को लिख दिया है, ठीक है, ताकि तुम इसको आसानी से पहचान सको. कौन सा ट्रायंगल? नहीं पता. नहीं पता, बैठो तुम बताओ. स्क्वायर ट्रायंगल. ये स्क्वायर ट्रायंगल कौन सा है? साइड लिखी हुई है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर. इस ट्रायंगल का नाम क्या है? किस किस को पता है? बस एक ही. अरे तुम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है ना 8th में, 9th में, 10th में. ट्रायंगल्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? ट्रायंगल क्या होता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सुनिए,
ट्रायंगल्स के अंदर थ्री साइड्स होती है पता ही नहीं पता है, और थ्री एंगल्स भी होते हैं पता ही नहीं पता है, ठीक है। और ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स अनइक्वल, तो बेटा इसकी तीनों साइड कैसी है, अनइक्वल। कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल, कौन सा है, स्केलन ट्रायंगल। देखो सुनो, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती है, अनइक्वल, अलग अलग। जैसे इसकी थ्री है, ये फोर और ये फाइव, तीनों इक्वल है क्या, तीन अलग अलग। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन पता है किसी को, व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच सिंपल, अगर नहीं पता तो उसको बना सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच देयर ऑल साइड्स आर अनइक्वल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स कैसी होती है, अनइक्वल। ये कौन सा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कोई सी भी दो साइड्स इक्वल। अब कंपल्सरी नहीं कि सर हमने यही दो, ये और ये भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है। अब इसकी डेफिनेशन अब बना सकते हो कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच देयर टू साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल। अब अच्छा एक बात बताओ, तीनों साइड कैसी है, अनइक्वल, तो तीनों एंगल भी कैसे होंगे, अनइक्वल, ठीक है। दो साइड्स कैसी है, इक्वल, तो दो एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। एक क्या होगा, अनइक्वल। तीनों साइड्स कैसी है, इक्वल, तीनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद में जब किसी भी ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, हमको सिखाया है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो साइड्स को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 90। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक लगती है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम किस किस को आती है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, डेफिनेशन पता है अपने को, बात को क्यों नहीं आता, रिवाइज नहीं किया गया, ये सब तुमको पढ़ाया गया है सब कुछ, स्केलन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स के बारे में, पाइथागोरस के बारे में। बाकियों को वॉइस में किस किस को पता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एक कोई बस, बाकी सब फिर देखने आते हैं, सर बस देखने का काम करते गर्ल्स में, पाइथागोरस थ्योरम एक कोई आता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा नहीं कैसे पहले, बोलो डेफिनेशन क्या होती है, हाँ बोलो। फिर से बोलो, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, खुद सोचो पहले, तुमने बोला द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, क्या ये सही है, तुम्हारा कहने का मतलब ये, देखो सुनो, जब तक हम सीखेंगे ना तब तक नहीं आएगा, तुम्हारा कहने का मतलब द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस, सॉरी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस, यो किसका मतलब, सम की तो बोलना है, क्या बोल रहे हैं सर, एक एक वर्ड से पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बैठो मैं ट्राई अच्छा के, अब बोलो तुम फटाफट, सर इन पाइथागोरस थ्योरम का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड एंटीट्यूड की इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, फिर से बोलो एक बार, इन पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड एंटीट्यूड की आर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। देखो सबसे पहले फर्स्ट हमने देखा कि तीन साइड्स किसमें होती है, ट्रायंगल में, ट्रायंगल्स के टाइप देखा, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पीछे लास्ट सेकंड लास्ट में पीछे उसको पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने के होते हैं, हाँ एंगल थ्री होते हैं, लेकिन कितने डिग्री के होते हैं,
180 का ये हो गया, 180 का ये, 180 का ये, 540, ये कोई एंगल ही नहीं होता है। बोलो बोलो लास्ट में 60 डिग्री। 60 का क्यों होता है? एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, बना सकते हैं कि 60 का कैसे होता है, कैसे होता है? वो ठीक है, लेकिन देखो अगर अच्छे से निकालना ना, बैठो नीचे तुम्हें। देखो सुनो, एक चीज याद रखना, कोई सा भी ट्रायंगल भले स्केलर हो आइसोसेलर हो, ट्रायंगल मतलब क्या, जिसमें तीन साइड्स होती है, तीन साइड्स होती मतलब तीन एंगल्स भी होते हैं। तो कोई सा भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, अब देखो सुनो, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हम एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो तीनों साइड्स कैसी है? इक्वल। तो तीनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। मान लो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। ये भी क्या होगा? x। पहला एंगल भी x, दूसरा भी x, तीसरा भी x। तीनों x क्यों होंगे? क्योंकि तीनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? x x x 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में यहां पे डिवाइड 180 अपॉन में 3 60, मतलब एक 60 तो दूसरा भी 60 और तीसरा भी 60। आई लेसन अब अच्छे लगते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है? 180 क्यों होता है, कैसे होता है, पता है? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? लाइन। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? 180 होती है। कितनी होती है? 180। ठीक है, अब अगर मैंने इस लाइन को आगे ना बढ़ते हुए ऐसे बेंड कर दिया, ये बेंड कर दिया, इस लाइन को भी मैंने क्या कर दिया? अभी भी ये 180 की थी, इसलिए तीनों का सम कितना होता है? 180। अब ऐसा मतलब नहीं सर, ये लाइन को आप ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, तो ये भी 180 होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ किस पे अप्लीकेबल है? ट्रायंगल पे। स्क्वायर के तो चार एंगल का सम कितना होता है? कैसे होता है? क्योंकि ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये तो पता ना कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजस्टेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब किस किस को नहीं पता है? ईमानदारी से बोलो, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, और अगर सबको पता होगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो फिर बाद में नहीं बोलना कि हमको नहीं पता। जिसको नहीं पता हो ईमानदारी से बोलो, क्योंकि अभी चैप्टर का बेसिक ही स्टार्ट किया, बेसिक में कई क्वेश्चंस में बीच में आता है कि हमको यूज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, फिर वहां बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन बताएगा इसके डेफिनेशंस? बस एक दो, बाकी सबको बोलते थे हाँ आता है बिल्कुल, बस अब चलने दो, आता सब आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 9th क्लास पढ़ा है ना अपन ने, बुलाओगे अभी सर को कि सर इन लोगों को सब कुछ आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक नहीं आते अपने को, किस किस को आता है? बस दो को, सप्लीमेंट्री भी पता है। अच्छा एक्यूट एंगल किस किस को पता है? एक्यूट एंगल सिर्फ 3 गर्ल्स में, एक को भी नहीं पता एक्यूट एंगल। बेटा ऐसे नहीं बैठना है, अगर नहीं आता है ना तो साफ साफ पूछना भी है, क्योंकि देखो सुनो जो भी आपके सामने कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको रात में सपने नहीं आते कि इस बच्चे को ये नहीं आता तो जाके ये बताना है। जब तक आप लोग नहीं पूछोगे ना, हमको नहीं पता चलेगी क्या है। और अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट स्टार्ट करते कि ट्रिग्नोमेट्री ये होता है साइन कॉस टेन, ऐसे इसको सॉल्व करना खत्म। लेकिन अगर कोई भी टीचर आता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, उसने पूछ लिया कि बेसिक ही क्या होता है, तो जब तक तुम लोगों को बेसिक नहीं आएगा तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ जाओगे? ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है? बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन फाइंड दिस वैल्यू। अब वहां पे हम ढूंढते बैठेंगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लास्ट में. द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अच्छा बताओ व्हाट इज एंगल. कॉमन पॉइंट ठीक है. और इसके अलावा बस तो इसको अगर हिंदी में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन. जो एंगल होता है वो टू बेस से बना हुआ एक फिगर होता है. जो टू बेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम रहता है. अच्छा व्हाट इज रे. रे रे एक तरह की लाइन होती है जिसका सिर्फ एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरे डायरेक्शन और ट्रेवल करते रहते हैं. ठीक है बैठो. देखो सुनो क्या होता है कि मैथ्स के अंदर अगर मैंने बोला एंगल तो आप बोलोगे रे, मैं बोलूँगा रे. मतलब कि कुल मिला के ये है कि तुमको एक एक चीज़ आना चाहिए. कोई कुछ भी पूछ ले कि एंगल क्या होता है. अब एंगल बना के तो कोई भी बता सकता है लेकिन उसको डिफाइन भी तो करते आना चाहिए. और तो इन सब के डेफिनेशन में को अगर पता है तुमको नहीं आता तो फिर मैं सब लिखवाऊँगा कि ये होता है. क्योंकि ये सब नाइन्थ क्लास में था. एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये था. देखो सुनो सबसे पहले बताया गया था रे. रे का मतलब क्या होता है, लाइन. लाइन किससे मिलके बनती है, पॉइंट से. जब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में होते तब क्या बनती है, लाइन. जैसे पॉइंट से मिलकर क्या बनती है, लाइन. तो ये क्या कहलाती है, लाइन. या फिर क्या बोल सकते अपन, रे. सारी बात सुन ले. अब जब मान लो ये रे है, अब इस एक्सिस से इसने अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ तक आ गई, यहाँ. अब इनिशियल से अब फाइनल तक में जितना ये मूव करिए वही क्या होता है अपना एंगल. आई बात समझ. जैसे तुमने अपने घर घर में घड़ी देखी है सबने कि 12 देखा है. अब देखो सुनिए. अब मान लो कि जो आवर्स वाली क्लॉक है, सॉरी मिनट वाली जो क्लॉक है वो 3 पे, कहाँ पे, ठीक है. हमने इसका लिया स्टार्टिंग पॉइंट. अब मैंने बोला है कि 5 यहाँ तक आके कितने का एंगल बनाएगी, ये क्या कहलाता है, एंगल. और एंगल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंगल इज फॉर्म. इसका मतलब क्या, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, इंटरसेक्ट का मतलब कट कर दी है, तब क्या बनता है, एंगल. अब देखो सुनो, ये भी एक लाइन और इसने ये कर दिया इंटरसेक्ट, क्या कर दिया, बना एंगल. ये भी क्या बना, एंगल. ये भी क्या बना, एंगल. ये भी क्या बना, एंगल. फिर इसी के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इसके अंदर डीपली नॉलेज होना चाहिए. अगर तुम चाहते हो कि, देखो सुनो, अगर तुम लोग की इच्छा है कि सर सिर्फ हमको 10th की एग्जाम निकालना है, बोर्ड एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए पूरी बुक में 100 क्वेश्चन भी नहीं निकलते हैं जो आप सॉल्व कर लो और आराम से. मतलब कि जो एमपी बोर्ड का लेवल हो वो इतना बेकार लेवल है जिसको तुम बोल नहीं सकते. अगर तुम्हारी बुक में मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन टिक कर दूँ उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए तो पास को हम ऐसे भी हो सकते. लेकिन मेनली अगर पास अगर हमको होना है तो हमारे से कितने बच्चे हैं तो उनमें और उनमें क्या डिफरेंस है. पास हम भी हो रहे, पास कुछ हो रहे. एक होता है लेवल बनाना अपना कि अपने भी चीज़ कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिशन में तुम लोगों को पता है कि NTSC की एग्ज़ाम होती है. किस किस को पता है NTSC जो सिर्फ 10th क्लास का बच्चा ही उसको दे सकता है. एक कोई पता है गर्ल्स में, नहीं पता व्हाट इज NTSC, नहीं पता तुमको किसी को भी. NTSC की जो एग्ज़ाम होती है ना वो सिर्फ 10th क्लास के बच्चे ही दे सकते हैं. और ये एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होती है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं NTSC एग्ज़ाम के. इसका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम पे होती है और इसको सिर्फ 10th क्लास के बच्चे ही दे सकते हैं. इससे फायदा ये होता है कि जब तुम NTSC एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो तुमको पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है, भले तुम कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो. तो पर मंथ की 2000 से लेके 2500 के बीच में, कब तक, जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता तब तक. अब तुम खुद सोचो कि अगर 2000
2000 पर मंथ भी मिलती है, तो 12 मंथ्स कितनी होगी 24000, और अगर 5 इयर्स तक भी मिलती तो 1,20,000 प्लस। उससे क्या होता है, आपकी जो जेई वगैरह की क्लासेस होती हैं आईआईटी जेई, वो सब क्लासेस की फीस हाफ हो जाती, कई बार पूरी की पूरी माफ हो जाती, क्योंकि आपका लेवल था एनटीएससी निकालने का। एनटीएससी बहुत सिंपल एग्जाम होती है, मतलब कि थोड़ा सा अगर लेवल अच्छा कर रखा है अपन, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। उसके अंदर एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स आता है, सोशल आता है, साइंस आता है, और सिर्फ 9th और 10th का आता है। पूरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होती है, इसके दो पेपर होते हैं, एक मेट कॉलेज सेट का, मेट का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग सीखी है ना अपन ने, थोड़ी बहुत तो आती है। रीजनिंग के अंदर भी चैप्टर्स होते हैं, लॉग एंड कैलेंडर, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, ऐसे करके नंबर सीरीज, अल्फाबेट्स, ये सब चैप्टर्स होते हैं। मतलब कुछ भी लॉजिक लगाना आंसर आना चाहिए। तो तुम लोगों को अभी से अपना ये सब लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर हमको कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए लेवल स्टार्टिंग से करना चाहिए। अगर रीजनिंग हम अभी से सीख लेंगे ना, तो 12th क्लास में कई लोग क्या करते हैं, जिसको एमपी कांस्टेबल की एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई की एग्जाम देना होता है, तब जाके वो रीजनिंग सीखते हैं। और हम अभी से सीख लेंगे, ये सेल्फ ही करना पड़ता है। ओके, डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हो, कहीं दिक्कत आती तो अपन चैप्टर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब जब सुनो सॉल्व करने का आओगे तब, और पूरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही होती है। इस चीज़ को भी साथ में, तुम लोग बस और कुछ काम होता है क्या, तो सिर्फ पढ़ना ही सबसे मेन होता है। तुम चाहो तो अपना लेवल एनसीईआरटी की बात करें, तो अदर बुक्स होती है, आरएस अग्रवाल की बुक, आरडी शर्मा की बुक्स, रीजनिंग वगैरह, साइंस वगैरह अपना अच्छा कर सकते हो। अगर ये भी कुछ करना है ये तो पढ़ते तो सभी बच्चे हम भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना अलग होता है, अच्छे से पढ़ना अलग होता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपना लेवल को मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि बस आ रहे हैं पढ़ रहे हैं खत्म सीख रहे हैं। देखो सुनो, एकदम बेसिक से बताया था अपन ने कि अपन कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं। फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग से बताया था कि फर्स्ट जगह अपन ने एंगल्स क्या होता है, तो एक कोई भी रे इनिशियल पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उन दोनों के बीच क्या बनता है एंगल, या फिर जब दो या दो से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है एंगल। आप बताइए व्हाट इज पैरेलल लाइंस, जो इनफाइनाइट तक भी एक दूसरे को कट नहीं करती, जैसे रेलवे ट्रैक दोनों कभी भी कट करती है क्या, नहीं करते, तो वो कैसी होगी पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, तो फिर कैसी लाइन करती है इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल लाइंस, जैसे ये जो ये कौन सी लाइन हो गई पैरेलल लाइन, कभी भी इंटरसेक्ट करती है क्या, नहीं, तो ये इसमें कभी भी एंगल बनेगा क्या। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि द एंगल मेट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितने का है 0 डिग्री। अब अगर लाइंस पैरेलल नहीं है मतलब कैसी होगी, पक्का इंटरसेक्टिंग, लेकिन तुम बोलो कि सर नहीं हमने एक लाइन ऐसी खींच दी, एक लाइन ऐसी खींच दी, अब बताओ ये तो आगे तक जाएगी, आगे तक आएगी, कभी कट ही नहीं करेगी, लेकिन तुम अगर इसको पीछे एक्सटेंड करते हो तो कट करेगी नहीं करेगी। मतलब जो दो नॉन पैरेलल लाइंस होती है वो कभी ना कभी एक दूसरे को कट करती है, सिर्फ एक ही लाइन है जो कभी भी कट नहीं करती, क्या बोलते हैं। अब जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या बनता है एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है आपके। फिर आप पढ़ते हैं अपन एंगल्स के टाइप्स, ये एकदम बेसिक जो 9th क्लास का था उसको बता देते हैं। एंगल्स के टाइप में फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल, क्या आता है एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, 0 से लेके 90 के बीच, 90 नहीं आना चाहिए, 90 से कम, इसको क्या बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल। और एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 90 क्या होता है राइट एंगल्ड एंगल, क्लियर है, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, यस ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, एग्जैक्ट 180, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180, मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कैसे करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल अगर कभी भी कहा गया है तो मोर देन क्या आएगा
अब अगर जैसे आप लोगों को ये लिख दिया है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, मान लो आप लोगों ने मेजर किया कि सर ये तो कितना है 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा ऐसे, इसको माइनस करना है, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 में से कितना माइनस करेंगे, कितना बचेगा 330, ये एंगल कितने का है 330, तो रिफ्लेक्स एंगल के डेफिनेशन के बीच में आया ना मोर देन 180 लेस देन 360, 180 से कम आया तो रिफ्लेक्स एंगल वही है क्या? ठीक है, तो हम किसी का भी रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं कैसे 360 से माइनस करके, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360, कैसे देखो सुनो, ये जो अलाइन होती है कितनी होती है 180, एक और लाइन इसी अपोजिट की खींचती है, लाइन कितनी होती है 360, सर्कल होता है कितने का होता है 360, तो 360 को क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, कोई दिक्कत है सर? इसके बाद में फिर आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या आता है द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज 90, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब किन्हीं भी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एक एंगल लिखा मैंने ए और एक एंगल लिखा मैंने बी, दोनों एंगल्स का सम कितना 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। हर चीज की डेफिनेशन खुद बनाते हैं ना कि द सम, पहले क्या है सम किन्हीं का दो एंगल्स का कितना 90, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। इसी के जैसा दो एंगल्स का सम अगर 180 होता कितना होता है 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल, कोई दिक्कत आता है नो टॉपिक। ये बात आ गई एंगल्स की, अब अपन बात करेंगे अपने ट्रायंगल्स की, जस्ट अ मिनट, ये किसी को नोट करना है क्या? और अगर मैंने इसके बाद कभी भी तुम्हें से किसी पूछा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, तो विद डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है? यस सर। अपन व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, नोट करने जैसा है ही नहीं, ठीक है? अब अच्छी तरह देखो, हमने इसका बेसिक देख लिया, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है, थ्री एंगल्स को सॉरी थ्री साइड्स को मेजर करना क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। पहले देखिए थ्री साइड्स किस में होती है ट्रायंगल में, जिसमें तीन साइड्स होती है उसका तीन एंगल्स भी होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप भी देख लिए। अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ 10th क्लास में इज एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे करना है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल तुम सबको पता है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। अब राइट एंगल कोई सा भी देखो सुनो, कोई सा भी ट्रायंगल होता है ना उसके अंदर टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, होते हैं 6 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स मतलब 6 चीजें होती है, जैसे 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, आई बात सुन। अब देखो सुनो, ये कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल, कैसे पता सर ये 90 डिग्री बना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती है, फर्स्ट क्या होता है हाइपोटेनियस, सेकंड परपेंडिकुलर, थर्ड बेस, ठीक है? ये सबको पता है कि मतलब सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती क्या होती है क्यों होती है इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एंगल। अच्छा इस रूम में एग्जांपल दो, अगर मैंने कहा लाइव एग्जांपल से आता है समझ में कि हमको बुक के अंदर बोलते दिया सबसे बड़ी साइड ये होगी, तो बोलो भाई सर काम करो आप इसको बड़ी कर रही है, अब फिर भी ये बड़ी है ऐसा क्यों? कैसे एग्जांपल दे सोचो, पहले अगर एक बार बताओ अच्छा कि मेरे को इस रूम में एक लंबे से लंबा बांस का टुकड़ा रखना है, ठीक है? क्या बोला मैंने, लंबे से लंबे बांस का टुकड़ा इस रूम में रखना है, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? ऐसे रख सकता हूँ क्या? ऐसे रख सकता हूँ क्या? नहीं, उस कोने से लेके इस कोने तो क्या आएगा? वही तो चीजें है ना कि अगर कोई भी स्क्वायर हो गया तो उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है सबसे बड़ा होता है कि होता है
इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। एक क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर क्वेश्चन में गलती से उसने इसको छोटा बता दिया, मतलब क्वेश्चन ही क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। अब अगर कोई भी आ जाए हाइपोटेन्यूज को, तो कोई भी चीज कर सकता है क्या? हम राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज तो बताएं, सबसे बड़ी साइड क्या होती है? जो तुमने डेफिनेशन बताई है वो एकदम सही है, लेकिन मेन चीज एग्जांपल के तौर पर हमने खुद देखा है कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब दो चीजें बची हुई, एक होता है परपेंडिकुलर, एक क्या होता है बेस। अब कौन पहचान सकते हैं कि सर इसमें बेस क्या होगा और इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस क्या होगा? ये होता है ना बेस, पक्का? अभी हम बता ही नहीं सकते बेस कौन सा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जिस पे एंगल बनता है वही क्या कहलाता है? बेस। तुम बोलते हो सर ये होता है, मैंने बना दिया, ये बना दिया एंगल। अब एंगल किस पे बना? इस पे। अरे एंगल को टिकने के लिए कुछ चाहिए ना, बेस। तो जिस पर एंगल मैंने ये बना दिया, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कभी बेस फिक्स होता है क्या? जिस पर एंगल बन जाएगा वही क्या कहलाएगा? बेस। और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या हुई? परपेंडिकुलर। यार तुम बोलते हो सर कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या है? लेकिन जो मेन डेफिनेशन होती है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया ऐसा, ये अब ये तो हमको पता है क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? क्यों? जिसका एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? बेस। तो क्वेश्चन में मेन यही सीखना है, तो इस पे क्या बन गया? एंगल। ये क्या हो गया? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ऐसा तो नहीं कि सर आपने ऐसा बना दिया, हाँ अगर ऐसा बना दिया तो ये हो जाएगा कि बेस। हाइपोटेन्यूज पे एंगल बन सकता है क्या? नहीं। एंगल किस पे बनता है? बेस के बनता है। आज बात सुन ले, तुमको अगर डायग्राम कैसा भी दे दे, कुछ भी दे दे एग्जाम में, मतलब अगर कई एग्जाम में ऐसा दे देते हैं तो बच्चा बोलता है सर इसको सीधा कर दो ये हो जाएगा बेस, मैंने ऐसा बना दिया। अब पहचान सकते हो कि सिर्फ तुमको इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं कि तुमको कोई भी कैसा भी डायग्राम दे दे, अपन को सिर्फ पहचान है कि कौन सा क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज तो कोई भी पहचान सकता है, पहचान सकते हो कि नहीं? कैसे? कौन सी है हाइपोटेन्यूज? मान लीजिए ए ए, बी ए, सी ए। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? अब इसके अंदर ये क्या है? एंगल बन रहा है, और ये क्या हो गया? देर बाद समझिए। अब देखो जरूर, जो अपना बेस होता है कई बार अगर नहीं दिया हो तो फिर हम किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर, और अगर दे रखा है तो उसका यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है अंदर? अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पे लगती है एक फिलम, उसको क्या होता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस फिलम का स्टेटमेंट होता है द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। वो तो हमने सीखा है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन जो एग्जैक्टली उसने क्या कहा था? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये लिख दिया मैंने सर, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने कहा था द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम, सम का मतलब क्या है? प्लस स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स क्या होगी? परपेंडिकुलर। और क्या हो गया? बेस। फिर हम चाहें तो उसकी जगह हम इसको याद कर सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये सब हम अपने मन से बना सकते हैं, आधी बात समझ में? फिर दिक्कत आता है तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या एप्लीकेबल होता है? पाइथागोरस थ्योरम। किस पे लगता है? राइट एंगल। अब मैंने बोला कि लगाओ उस पे पाइथागोरस, लग जाएगा क्या? क्यों? पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री पे ही लगता है। तुम बोलोगे सर ये हमने बोले परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर कहां से लगाओ? ठीक है ना, हम जब परपेंडिकुलर जब कभी भी हम डालते हैं, मतलब जब परपेंडिकुलर कभी भी ड्रॉ करते हैं तो जिस साइड पे ड्रॉ करते हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या रहती है? डिवाइड। ये सब 9th क्लास की थ्योरम्स थे जी सर, ठीक है। तो हमको जो काम में आता है हम सीखते जा रहे साथ में, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। लिख लो फटाफट ये कि पाइथागोरस थ्योरम
अब हमको एक ट्रेंगल दिया, लेकिन इसके अंदर हमें बेस नहीं बनाना, जिसकी इच्छा बेस ले सकते हैं, जिसको चाहे उसको क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये फाइंड करना है, ठीक है। बात बताओ, हाइपोटेनियस भी दे दिया,
परपेंडिकुलर भी दे दिया, बेस भी दे दिया, उसमें निकाल भी गया। अगर तीन अननोन नंबर्स हैं उसमें से कितने देगा? दो। एक किसको निकालना है? अपने को। अब नाम परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो निकाला क्या है? यहाँ से अगर इस पर हटेगा तो क्या लग जाएगा? डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज के लिए फॉर्मूला ही हो जाएगा। आई बात समझ में? बाद में लिखना प्लीजर। ये आ गया। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज लेके रखा, क्या लेके रखा है? परपेंडिकुलर नहीं दिया और क्या लेके रखा है? बेस। हमको निकालना क्या है? जिसको निकालना है वो एक तरफ, बाकी सब। तो मान लो परपेंडिकुलर निकालना है ना, हाइपोटेन्यूज ये रहा, ठीक है, बेस पता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सब। अब इसके बाद हटेगा तो क्या लगेगा? ये बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए जब हाइपोटेन्यूज और बेस अपने को देख के रखो। इसी तरीके से तुम फॉर्मूला बना सकते हो ना बेस के लिए। यस सर। क्या बनेगा? रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अरे आप अगर बेस निकाला हो ये आ जाएगा इधर, ये हो गया। अब क्या होगा? स्क्वायर कटेगा तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर टेप पर लग जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे बैठ पुट कर देना तो अपना आंसर आता है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था? 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और का स्क्वायर 16, 25। फाइंड क्या था बात? जो इसको लर्न कर सकता है, याद रख सकता है, अच्छी बात है। नहीं याद रख सकता है ना, ये तो पता है कि नहीं पता है। नई वैल्यू पुट करना, इधर उधर करना आ जाएगा। ये डायरेक्ट है, ये मैंने सिर्फ बताया कि हम निकाल सकते हैं, बाकी यूज किसी अगर, ठीक है। पहले कल जितना वर्क दिया है सबकी डेफिनेशन तुमको घर से लिख के लेना है, किस चीज की? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, डेल्टा एक्स कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंसर। और 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेके 15 तक के। इसके बाद अपन फिर कल से, अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एकदम बेसिक देखा है।